IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है ट। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम ट से टोली। नमस्ते नमस्ते। हमें नई कहानी सुननी है। नई कहानी सुननी है। अच्छा, जरूर जरूर सुनाएंगे भाई। तो बच्चों, आज हम सुनाएंगे आपको ट अक्षर की कहानी, ट से टोली। ट से टोली। शाबाश। हम दो टोली बनाकर खेलते हैं। अच्छा, वाह क्या बात है। वही टोली। तो बच्चों, एक था मेंढक, उसका नाम था टर्रू। ट से टर्रू। वो दिन भर टर टर करता रहता था। बिल्कुल ऐसे। शाबाश बच्चों। मेंढक का एक दोस्त था टिड्डा। हाँ, ट से टिड्डा। उसका नाम था हरियल। हाँ, अच्छा बच्चों ये बताओ, टिड्डा देखा है ना तुमने कभी? उड़ने वाला। कभी कभी खेत में भी आ जाता है। हाँ, अरे वाह लविष्ट, कितना सही बताया। कभी कभी खेत में भी आ जाता है, और बच्चों कभी कभी टिड्डों का झुंड फसल को खराब भी कर देता है। अरे वाह वाह, निशान ने बारिश में टिड्डा देखा है, क्या बात है। तो बच्चों, टर्रू और टिड्डा बहुत ही पक्के दोस्त। लविश मेरा पक्का दोस्त है। अरे वाह, निशान का दोस्त लविश। इसी तरह से टर्रू मेंढक और हरियल टिड्डा बहुत पक्के दोस्त थे। वो दोनों नदी के पास एक टापू पर रहते थे। ट से टापू। ट से टमाटर। ट से टोली। अरे वाह। ट से टिड्डा। तो बच्चों, वो दोनों एक टापू पर रहते थे। टापू पर उनका खेत था, जहाँ टर्रू और टिड्डा टमाटर और टिंडा उगाते। छोटा सा ट्रैक्टर भी चलाते होंगे। अरे वाह क्या बात है, निशान ने कितनी अच्छी बात बताई, जोरदार तालियां इसी बात पर। वाह, क्या किसान थे वो, छोटे छोटे किसान थे। और छोटा छोटा ट्रैक्टर था। टासे ट्रैक्टर। टासे टिंडा। टासे टापू। टासे टमाटर। हाँ, और बताए क्या, टापू पर ना मेला लगा करता था, जहाँ वो दोनों दोस्त साथ साथ जाते, खूब तैयार होकर, माथे पर टीका लगाकर और टोपी पहनकर वो मेले में घूमने जाते। टासे टीका। टासे टोपी। हमारे गांव में भी मेला होता है। अरे वाह, वहाँ पे झूले लगते हैं। हाँ, अच्छा बच्चों ये बताओ, वहाँ मेले में क्या क्या बिकता था खाने पीने के लिए? आइसक्रीम, नूडल्स, चाट पकोड़े, केला गोलगप्पा, टिक्की। छोले भटूरे। अरे वाह, दही बल्ले। अरे मुंह में तो पानी आ गया। और बच्चों, ऐसे ही चाट पकौड़ी देखकर टर्रू और टिड्डा भी ला टपकाते, टप टप टपकाते, टा से टपकाते। बजा ताली, जोरदार ताली, शाबाश। भाई एक बात तो है, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। फिर आगे क्या हुआ भैया? फिर आगे मैं बताता हूँ। तो बच्चों, टर्रू मेंढक और हरियल टिड्डे की दोस्ती बड़ी मशहूर थी। दोनों साथ साथ घूमते, साथ साथ खेत में काम करते, और हाँ, साथ साथ वो मेले में घूमने जाते। वहीं एक पेड़ पर एक कौआ रहता था। वो बहुत ही धूर्त था, वो सीधा साधा बिल्कुल नहीं था, वो टेढ़ा था, यानी बहुत ही चालाक था, धूर्त था। टासे टेढ़ी। तो बच्चों, कौवा टहनी पर पैर फैलाकर लेटा रहता और सोचा करता, काव 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 काव, ये टर्रू मेंढक और हरियल टिड्डी की दोस्ती बड़ी मशहूर है, इनकी दोस्ती को कैसे तोड़ा जाए? ये काम मुझे करना है, और मैं ये काम करके ही दम लूंगा। काव 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 काव। टासे टहनी। कौवे ने टर्रू मेंढक और हरियल टिड्डे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कौवे ने टर्रू मेंढक से कहा, काव 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 काव। मेरी बात कान लगाकर सुनो टर्रू भाई,
ये जो हरियल टिड्डा है ना, ये बहुत ही बुरा है, तुमसे बहुत काम लेता है। हाँ झूठ बोला। बिल्कुल सही कहा नीरू भैया, वो गलत बात कर रहा था। हाँ गलत बात कर रहा था, क्योंकि वो दोनों तो बहुत पक्के दोस्त थे। और बच्चों जानते हो उसने दूसरी तरफ हरियल टिड्डे को क्या कहा? क्या कहा भैया? उसने टिड्डे से कहा, काव 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 काव, ए टिड्डे भाई इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये टर्रू मेंढक है ना, ये बहुत ही बुरा है, तुमसे ज्यादा खाता है। हाँ और तुम तो बहुत पतले हो, और तुमसे काम भी करवाता है, कितना बुरा है ना? ये तो बहुत गलत बात है भैया, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा नमन ने, बिल्कुल सही कहा। दूसरा झाल बिछाता है वो खुद ही उसमें गिर जाता। अरे वाह वाह शाबाश, भी झूठ नहीं बोलते, बहुत अच्छा करते हो, शाबाश। तो बच्चों कौवा रोज ऐसा कहता, आखिरकार टर्रू मेंढक और हरियल टिड्डा सचमुच आपस में लड़ने लगे, टकराने लगे। हाँ ये तो बहुत बुरी बात हुई। बहुत बुरी बात तो हुई, दोनों आपस में लड़ते और पता है क्या कहते, हरियल टिड्डे तू बहुत बुरा है, तू बुरा है, तू काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता, खाता रहता है। नहीं तू काम नहीं करता, तू खाता रहता है। हाँ तो बच्चों ट से टकराव, टिमटिमाना, ट से टिमटिमाना, काटे टूट, ट से टूट, ट से टोकरी, ट से टोकरी, ट से टिमटिम, हाँ ट से टिमटिम, बजाओ जोरदार ताली। अच्छा, आगे सुनो कहानी, कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे वाह क्या बात है, आगे सुनते हैं। लड़ाई इतनी बड़ी, दोनों में टकराव इतना बड़ा कि दोनों की दोस्ती ही टूट गई। ट से टूट, लेकिन बच्चों दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, है ना, करते थे ना प्यार। हाँ भैया, तो दोस्ती टूटने से दोनों बहुत दुखी हो गए। टर्रू ने तो टर्राना ही छोड़ दिया, टर्राना टर्राना, वो चुपचाप बैठा रहता, वो उदास हो गया। हाँ उदास हो गया, उदास हो गया, वो भी रोता था। हाँ दोनों रोते थे। मेंढक ने उदास होकर सोचा, टर टर हरियल टिड्डे तू कहाँ चला गया, मुझे तुझको बहुत याद करता हूँ। हाँ और पता है दूसरी तरफ जो हरियल टिड्डा था ना, वो भी सोचा करता, मेरा दोस्त टर्रू मेंढक तू कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किसके साथ खेलूँ, अब मैं किसके साथ मेले में घूमने जाऊँ, अब मैं किसके साथ खेत में ट्रैक्टर चलाऊँ, मुझे बहुत याद आती है तेरी टर्रू मेंढक। जब लविश चला गया तो फिर मैं भी दुखी था। अरे अच्छा। हाँ तो बच्चों इसी तरह दोनों बहुत उदास रहने लगे। तब ना टिड्डो की एक टोली आई, ट से टोली, हाँ ट से टकराना, ट से टकराना, ट से टूट, ट से टापू, ट से टापू, ट से टक्कर, ट से टक्कर। हाँ तो बच्चों तब टिड्डो की टोली आई और उसने हरियल टिड्डे से कहा, तुम उस धूर्त टेढ़े कौवे की बातों में आकर सीधे सादे टर्रू से रूठ क्यों गए हैं? देखो टर्रू भी कितना दुखी है, तुम्हारे खेत भी सूख रहे हैं। अरे उदास हो गए खेत तुम्हारे बगैर, उन्हें कोई नहीं पूछता, समझे, इस तरह तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब तुम जानो कि तुम क्या करना चाहते हो। हाँ हम तो चले भाई। टिड्डू ने उसे बहुत समझाया। हाँ टिड्डू की टोली ने टर्रू को भी समझाया। सारी बात सुनकर दोनों को समझ में आ गया कि ये सब कौवे की शरारत है। हाँ और फिर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, पछतावा हुआ और फिर दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। हमको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा नीरू ने, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, कभी किसी की चाल में भी नहीं आना चाहिए, किसी की चाल में नहीं आना चाहिए। तो बच्चों फिर पता क्या हुआ, फिर दोनों झटपट खेत में भागे। तभी टप 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 बारिश भी होने लगी और बारिश देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उछलने कूदने नाचने लगे। टक टक टुन टुन, 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 टक टक टुन टुन। हाँ और अब तो कौवे को भी अपनी भूल का एहसास हुआ, वो भी टर्रू और टिड्डे का दोस्त बन गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही।
और बन गई तीनों की टोली। शाबाश। एक था टर्रू मेंढक, उसका दोस्त था हरियल टिड्डा। दोस्त था हरियल टिड्डा। टापू पर थे खेत उगाते वो टमाटर टिंडा, वो टमाटर टिंडा। तसे टर्रू तसे टिड्डा और टमाटर टिंडा। लगा के टीका पहन के टोपी वो घूमने जाते, वो घूमने जाते। खाते चाट पकौड़ी लार भी टप 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 करते, लार भी टप 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 करते। तासे टीका तासे टोपी टप 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 करते। टांग पसारे टहनी पर जब कौआ भड़काता, टर्रू टिड्डे से लड़ता और टिड्डा भी टकराता, टिड्डा भी टकराता। तासे टहनी टर्रू टिड्डा टांग और टकराता। टकराव बढ़ा तो खेती छूटी, दोस्ती टूटी, दोस्ती टूटी, दोस्ती टूटी। सभी टोकते और पूछते क्यों ये रूठा रूठी, क्यों ये रूठा रूठी। तासे होता है टकराव टोकते और टूटी है। हुई लड़ाई भूला टर्रू टर 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 राना, टर 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 राना। टिड्डों की टोली बोली हरियल छोड़ो टकराना, हरियल छोड़ो टकराना। तासे टिड्डा टर्रू टर 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 राना टकराना। टेढ़ा वो चाहता तुम आपस में टकराओ, आपस में टकराओ। टुकुर टुकुर ताके अब तुमको करता काओ काओ। तासे होता टेढ़ा तासे टुकुर टुकुर टकराओ। समझ गए टिड्डा और टर्रू खेत में भागे झटपट, खेत में भागे झटपट। टक टक टुन टुन नाच उठे जब बारिश आई टप टप, बारिश आई टप टप। तासे टिड्डा टर्रू टक टक टुन 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 और टप टप। कौवा भी टिड्डा टर्रू का खूब बना हम झोली, खूब बना हम झोली। टापू पर खेती करती अब ये तीनों की टोली, ये तीनों की टोली। टा से टोली। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, चारू, नीरू, मौलिक, हृदय और सोफिया। संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर मंजीत सिंह, रक्षित, आभा, मेघा, खुशबू, ममता और आरुषि। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम। आलेख, गीत, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।